Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatima aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj hamare kitchen mein ban rahe hain bade hi mazedar mooli ke parathe. To inke liye mujhe ingredients chahiye. Sabse pehle mere paas ye 1 cup aata aur 1 cup maida hai. Isko hum regular tarike se goondenge aur isi ke sath mere paas hai ye मैंने मूलियाँ जो है वो श्रेड कर ली हैं अच्छे तरीके से और करने के बाद इनको हल्के हाथ से दबा के इनका कुछ पानी जो है वो निकाल दिए। मसालों में हम लेंगे सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, काली मिर्ची, गरम मसाला, सिट्रिक एसिड, थोड़ा सा और ज़ीरा और साथ में आधा चम्मच जो है वो अजवाइन है। इसी के साथ है मेरे पास हरी प्याज, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची। तो सबसे पहले हम तमाम मसाले जो हैं वो बैटर में मूली के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम आटा गूंदेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। मंदरिंग के बर्तन के साथ सबसे पहले हम इसमें धनिया और हरी मिर्ची की जो हमने काट के रखी थी चीज़ें वो डालेंगे। इसके साथ तमाम अपने मसाले और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये एक दफ़ा से फिर थोड़ा पानी रिलीज़ करेगा, इसलिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डाली मैंने। ज़्यादा इसको दबाएंगे नहीं तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। अब मैं इनको मिक्स करने के बाद आटा गूंदूंगी और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली। अब हम इसको 5 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि इसने जितना भी पानी रिलीज़ करना होगा वो कर ले। आटा हमारा गूंद चुका तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे पराठा तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आटा गूंद गया। आम रेगुलर तरीके से मैंने आटा गूंदा है। अब हम इसकी बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाएंगे, बिल्कुल पतली, जैसे कागज़ी रोटी हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम बिल्कुल इनको बारीक रोटी के साइज़ का बेलेंगे और फिर उसमें फिलिंग करेंगे, अपना पराठा जो है रेडी करेंगे। इस तरीके से पराठा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो आप फिलिंग करते हो वो बाहर नहीं निकलती। तो मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल मैं इसको रोटी के साइज़ का बेल लूँगी। बिल्कुल इतने इतने से मैंने ये लिए हैं, इनके पेड़े बनाए। अब मैं रोटी बिल्कुल इसको बारीक रोटी के साइज़ का बेलने के बाद फिर इसमें फिलिंग करेंगे, ना कि इसमें पहले फिलिंग करेंगे और फिर इसको बेलेंगे, क्योंकि इस तरह से फिलिंग जो है वो बाहर निकलती है। मैं अपनी रोटी बेल के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ रोटी मैंने बेल ली। थोड़ा सा जो ऑयल है ज़रा सा इसके ऊपर लगाएंगे, रोटी अंदर से भी बड़ी मॉइस्ट और शाइनी बनेगी, बेटर है। अच्छे से हम इसमें फिलिंग करेंगे। कहीं से भी हमारा पराठा जो है वो खाली नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए, सॉरी, अच्छी तरह से मैंने इसकी फिलिंग कर ली है। अब हम अपनी रोटी का दूसरा वाला जो हिस्सा उठाएंगे और अच्छे से इसको यूं बंद कर देंगे। देखिए रोटी हमारी बेली भी गई है और पराठा जो हमारा फिलिंग भी हो गई, फटा भी नहीं कहीं से। अब हम ज़रा इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा सा फैलाएंगे। फिलिंग करके रोटी को मैंने अच्छे से जो है वो अब जो है हम इसको ज़रा सा बेलेंगे, तो ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा, ताकि सारा बैटर इक्वली इसके अंदर स्प्रेड हो जाए। और बस ये देखिए फिलिंग भी पूरी इसके अंदर है। अब तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब आपको दिखा, देखिए जो पराठा हमारा तवे पे आके, अब इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे, ऑयलिंग करेंगे और फिर डिशर्ट करके आपको दिखाते हैं हमारा पराठा। पराठा को हमने अब एक तरफ से पक चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से पराठे की लुक, अलहमदुलिल्लाह फिलिंग कहीं से बाहर नहीं आई
और ना ही पराठा जो है कैसे वो फटा है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जैसे थोड़ा भी और इसको गोल्डन सेक लेंगे। देखिए जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ हमारा पराठा और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिलिंग भरपूर फिलिंग के साथ हमारा पराठा बना है। अब आप इस पर चाहें तो मक्खन लगाएं और साथ में जैसे मर्जी आप इसको एंजॉय करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।